हथियार और मादक पदार्थ का निरंतर उनके विरुद्ध कार्रवाई चलती रहती है और कहा जाए कि ऐसे गढ़ भी रहा है। तो अभी डीएसपी टीम ने सुरेश मीणा सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और इनकी टीम ने 13 पिस्टल और 11 कारतूस विभिन्न स्थानों से और अलग अलग मुद्दों से जब्त करने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें एक जीवन प्रमाण का मुख्य भूमिका आई है जिसमें इससे भी अधिक संख्या में पिस्टल लाकर लोगों को दिए। उस संबंध में अनुसंधान जारी है और ये पीछे से कहां से लेके आए हैं उसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। तो बात की जाए तो जो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अभी हथियारों को किसी युवा और जो भी अपराधी पकड़े गए वो युवा हैं और 20 से 30 वर्ष के बीच में ही हैं। ये बात सही है। तो युवाओं का इस तरफ अपराध की तरफ जो रुझान है और अवैध हथियार रखने का, आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे भी अपने फेसबुक के या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे हथियारों के साथ भी फोटो खिंचवाते हैं, वो भी अपराध है। हालांकि तो इस प्रकार इस वजह से इस तरफ जा रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर विषय है, रिसर्च का विषय है। और ये बात सही है कि ये युवा हैं और कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी अपराध में ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो तस्करी होती है उसमें भी कुछ समय से ये देखने में आया है कि जो तस्कर हैं वो फायर करने में चूक नहीं रहे, पुलिस का सामना करने में चूक नहीं रहे। ऐसे में इस बात की कोई संभावना लड़ाई हो सकती है तो लोगों को लगातार अवैध हथियार सब ले ये संभवतः एमपी वाली साइड से आए हैं। इसमें अनुसंधान जारी है और जो प्रमुख निर्माता हैं कहाँ से ये लोग लेके आए वहाँ तक हम अनुसंधान के दौरान जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।